ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ MIA थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप हुआ है। एक ही रात में तीन जगह पर रेप करने का आरोप है। सात आरोपियों के खिलाफ 5 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज हुई है और CO दक्षिण ओम प्रकाश बीड़ा फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। लगातार प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है और अलवर से ये खबर है जहाँ MIA थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप हुआ और उसके बाद एक ही रात में आपको बता दें कि तीन जगह पर रेप का आरोप लगाया गया है। सात आरोपियों के खिलाफ 5 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद से CO दक्षिण ओम प्रकाश बीड़ा पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। यहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उसको भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और एक ही रात में तीन जगह रेप करने का आरोप लगा है। सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक और यहाँ शर्मसार कर देने वाला मामला जो है सामने आया है। सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कहाँ तक कार्रवाई पहुंच पाई है? देखिए, अभी तक 7 आरोपी इसमें नामजद किए गए थे पीड़िता की ओर से और यह तीसरा लगातार बड़ा मामला है अलवर में। उससे पहले महिला थाने में आया, फिर रामगढ़ थाने में और अब MIA थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। एक और मामला रामगढ़ थाने में दर्ज हो रहा है। लगातार बड़े गंभीर मामले दुष्कर्म के सामने आ रहे हैं। पिछले मामलों में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो CO है वो इस मामले की जाँच कर रहे हैं। पीड़िता के बयान इसमें हो गए हैं और शायद दोपहर बाद तक कोई आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है, क्योंकि पुलिस की जो टीमें हैं वो उनका पीछा कर रही है और उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। जी अश्विनी, मामला कब का है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज हुई है। देखिए, 4 जुलाई की घटना है रात्रि की और 5 जुलाई को MIA थाने में मामला दर्ज कराया गया पीड़िता के परिजनों की ओर से। और उसमें लिखा गया, बताया गया कि 3 अलग अलग जगहों पर पीड़िता को रात्रि में ले जाया गया। 7 आरोपी थे, उन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म किया और उन 3 जगहों के दुष्कर्म करने के बाद उसे वापस छोड़ा गया। फिर अगले दिन MIA थाने में मामला दर्ज किया गया। जी, देरी हो रही है। निश्चित तौर पर अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी जो आरोपी इस मामले में नामजद है। जी जी अश्विनी, देखिए लगातार इस तरीके की मामला अलवर से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो CO इस मामले में पूरी जांच कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने टीम भेजी है और जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्त में ले लेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी हम जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अलवर से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। एक ही रात में 3 जगह रेप करने का आरोप लगा है। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है लेकिन अब तक एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। हालांकि CO दक्षिण ओम प्रकाश मीणा पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। MIA थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप होता है। एक ही रात में 3-3 जगह पर रेप का आरोप लगा है। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है लेकिन 5 जुलाई को ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद अब तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और लगातार उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन एक के बाद एक मामले अलवर से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते यहां लाजमी है। तो अलवर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, युवती के साथ गैंगरेप यहां हुआ। 7 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है।